मारुति सुजुकी अपने बेमिसाल बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, लेकिन ये लोग इतनी बेहतरीन क्वालिटी की गाड़ियां कैसे बना लेते हैं, तो चलो हम आपको इस पे एक इंजीनियर का नजरिए से बताएंगे। सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बैड क्वालिटी ऑफ मारुति सुजुकी कार्स, एंड नो, इट्स नॉट द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। तो हमारे गाड़ियों के चेसी को दो एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है, बैड रोड कंडीशंस एंड क्रैश इंपैक्ट। हमारे सड़कों पे बहुत से खड्डे और बम्प्स है, और हमारे गाड़ियों के पहियों को इन बम्प्स और खड्डों को इंडिविजुअली झेलना होता है, जिनकी वजह से शॉक्स जनरेट होते हैं, और ये शॉक्स हमारे गाड़ियों के चेसी तक ट्रांसमिट हो सकते हैं। इन शॉक्स को झेलने के लिए हमारे गाड़ियों के चेसी को स्टिफ बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली ट्विस्ट नहीं होते, मतलब गाड़ियों के चेसी को टॉर्जनली रिजिड बनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, मतलब कि एक्सीडेंटल इंपैक्ट। उसके लिए क्रैश प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो चेसी को क्रैश के टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे अंदर बैठे पैसेंजर्स को सेफ रखना होता है, और ऐसा करने के लिए गाड़ी के चेसी के आगे और पीछे के हिस्से में क्रम्पल जोन दिया जाता है, जो खुद क्रश होकर क्रैश के इंपैक्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है और अंदर बैठे पैसेंजर्स को सेफ रखता है। यस, क्रम्पल जोन इज मेंट टू बी डैमेज, लेकिन एक हद तक, ये कितने हद तक डैमेज हो सकता है ये मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सब्र कर लो। सो मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों को सेफ बनाने के लिए अपने गाड़ियों के चेसी के लिए बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं, जैसे कि ऑडी अपने गाड़ियों में एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर तो यूज करती है, लेकिन उनके साथ साथ वो अलग अलग ग्रेड के स्टील भी यूज करते हैं। अब हम सब तो ऑडी जैसी गाड़ियां तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए कॉस्ट फ्रेंडली कार्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी एंड हुंडई अपने कार्स के चेसी में सिर्फ स्टील यूज करते हैं। लेकिन ये लोग भी ऑडी जैसे बड़े ब्रांड की तरह ही अपने कार्स के चेसी में अलग अलग ग्रेड के स्टील यूज करते हैं। इन ग्रेड्स में माइल्ड स्टील तो शामिल है, लेकिन माइल्ड स्टील के साथ साथ हाई स्ट्रेंथ स्टील, एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील को भी यूज करते हैं। अब स्टील तो स्टील होता है, ये माइल्ड, हाई, एडवांस और अल्ट्रा में क्या फर्क है? तो हर मेटल की तरह स्टील की भी एक स्ट्रेंथ की लिमिट होती है, जिसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर हम स्टील के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनिशियली तो वो सिर्फ थोड़ा बेंड होगा, लेकिन अगर हमने उसी फोर्स को थोड़ा और बढ़ाया तो स्टील परमानेंटली बेंड हो सकता है। जिस पॉइंट पे स्टील परमानेंटली बेंड हो जाएगा उसे स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ 245 से 250 मेगापास्कल के बीच में होती है। लेकिन जब हाई स्ट्रेंथ स्टील, एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील की बात आती है तो इनकी यील्ड स्ट्रेंथ 550 मेगापास्कल से लेकर 1200 मेगापास्कल तक जाती है, which is more than twice the yield strength of mild steel। मतलब जितने फोर्स पे माइल्ड स्टील परमानेंटली बेंड हो सकता है, उतने फोर्स पे ये सारे स्टील किसी स्प्रिंग की तरह कंप्रेस हो जाएंगे, और वो फोर्स हटाने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे। और इन हाई स्ट्रेंथ स्टील की एक खास बात ऐसी है कि अगर उन पे फोर्स अप्लाई करके उनको क्रश किया जाए, परमानेंटली बेंड भी किया जाए, तो उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ती जाती है, मतलब वो और फोर्स झेल सकते हैं। इसे स्ट्रेन हार्डनिंग कहा जाता है। और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मोस्टली सारी मैन्युफैक्चरर्स अपने गाड़ी के चेसी के क्रम्पल जोन में, ABC पिलर्स में और डो ब्रेसेस में यही सारे स्टील्स को यूज करते हैं, और माइल्ड स्टील को सिर्फ छोटी मोटी जगह पे एज अ सपोर्ट मेंबर की तरह यूज करते हैं। और हाँ, मारुति सुजुकी भी ये क्लेम करती है कि वो भी अपने चेसी के नए आर्किटेक्चर में एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके क्रैश टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत बेकार है। अब ऐसा क्यों? इसका जवाब उनके चेसी के डिजाइन में है। अगर ध्यान से देखें तो मारुति ने अपने चेसी के नीचे के मेंबर्स में एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज किया है, ये सोच के कि जब भी उनकी कार का इंपैक्ट होगा तो कार की चेसी के नीचे के ये मेंबर्स वो इंपैक्ट झेल लेंगे। लेकिन जो कार्स एक्चुअली में सेफ है, उन्होंने अपने चेसी के फ्रंट मेंबर्स को उनके फ्लोर के साथ साथ उनके पिलर और रूफ लाइन के साथ कनेक्ट किया है, मतलब उनकी गाड़ी का जब भी इंपैक्ट होगा तो वो इंपैक्ट का फोर्स फ्लोर और रूफ लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडिंग टू दिस, मारुति ने अपने नए चेसी के आर्किटेक्चर में उनके फ्रंट लैटरल मेंबर पे फोकस नहीं किया है, मतलब सारे लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स भले एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से बने हो, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उनका जो फ्रंट लैटरल मेंबर है वो कौन से मटेरियल से बना है। सो वो माइल्ड स्टील का ही बना होगा, और यही मेंबर का माइलस्टोन के होने की वजह से जब बलेनो का पुरानी XC40 के साथ इंपैक्ट हुआ, तब यही मेंबर बेंड हो गया और इसकी वजह से रेडिएटर भी डैमेज हो गया और वोल्वो की एक्सी 60 के बम्पर को सिर्फ एक छोटी सी खरोंच लगी। अब वोल्वो की क्वालिटी तो हम सबको पता ही है, लेकिन जब टाटा की गाड़ियों के साथ टक्कर होती है तब भी मारुति की गाड़ियों का यही हाल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्प्लेंडर भी मारुति के आगे के हिस्से को पूरी तरह से तोड़ सकती है, लेकिन जब मारुति के ऐसे सेफ्टी पे सवाल उठता है तब क्रम्पल जोन का जवाब देके वो सवाल को वो आराम से डॉज कर लेते हैं। अब क्रम्पल जोन का काम तो है डैमेज होना, लेकिन इतना भी डैमेज होना नहीं चाहिए कि पूरा का पूरा रेडिएटर टूट जाए। अब तो गाड़ी चलने लायक भी नहीं बची है, उसे टो करके ही सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। अब बहुत से ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स ने मारुति के एक्सेसिव प्लास्टिक की यूसेज पे फोकस किया है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि उनके चेसी के डिजाइन में ही थोड़ा बहुत गड़बड़ है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं समझ सकता हूँ कि आप मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ खरीदना क्यों प्रीफर करते हो, और मैं आपको ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आप मत खरीदिए। खरीदो यार, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, लेकिन ये सोच के खरीदना कि आप उस गाड़ी में अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बिठा के घूमने वाले हो, तो उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में होती है। इसीलिए गाड़ी खरीदते समय थोड़ा सेफ्टी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और चलाते वक्त भी ध्यान से चलाइएगा। और इसी तरह गाड़ियों के फ्रेम और चेसी की बात मैंने अपने नए बुक पावर ट्रेंड एंड सिस्टम इन द नटशेल में बात की है, जो अभी तक पब्लिश नहीं है, वो जल्दी पब्लिश हो जाएगी और उसकी लिंक मैं बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन तब तक आप मेरी इंजन इन द नटशेल पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने इंजन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है, जो आपको जरूर सीखना चाहिए। So go ahead and buy my book. The link is in the description box below. And thank you for watching this video. अब आपने ये वीडियो जाके देखना चाहिए, because आपको ये वीडियो बड़ा ही मजेदार लगेगा। And I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM. Peace.